उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी सांसद महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहला सवाल ये है कि विपक्ष लगातार सदन में हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस मुद्दाबीन हो चुकी है जी, सदन का जो बहुमूल्य समय है उसको खराब कर रही है। राज्यसभा के अंदर जिस प्रकार के विषय आने चाहिए, शून्यकाल है, प्रश्नकाल है, उसमें अनेकों विषय हैं जिनमें सरकार जवाब देने को तैयार है, लेकिन जब विषय ही नहीं, पूछने को कुछ है ही नहीं, तो उत्तर की अपेक्षा भी कांग्रेस नहीं कर पा रही, इसलिए अनावश्यक चीज़ों का हंगामा है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति महोदय जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नाटक करके कांग्रेस अपना चेहरा बचाना चाहती है, खासतौर पर जॉर्ज सोरेस के साथ जो संबंध है कांग्रेस के, उस पर किसी प्रकार की चर्चा ना हो उससे कांग्रेस बचना चाहती है। और पिछले दिनों लगातार कांग्रेस का जो स्वरूप सदन के अंदर देखने को मिल रहा है, जनता उसको देख रही है, और मैं कह सकता हूँ आने वाले समय जनता इसका करारा जवाब कांग्रेस के लोगों को और विपक्षी दलों को देने वाली है। सर अगर सदन की बात किया जाए, सदन में जनता का मुद्दा, और आप लोग जैसे देख रहे हैं कि एक चुनाव, एक इलेक्शन, एक मुद्दे पास करवाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष वही अडानी अबानी के मुद्दों को लेकर लगातार जब से सदन चल रहा है, लगभग 12 से 13 दिन हो गए, उसी मुद्दे को रखना चाहते हैं। आज ही नहीं, मैं कहता हूँ पिछले लोकसभा चुनाव से पहले से राहुल गांधी जी द्वारा जिस प्रकार से एक ही विषय को लेकर जनता के बीच में बार बार भ्रम उत्पन्न करने का जो प्रयास किया, जनता ने उसका करार जवाब दे दिया है। महाराष्ट्र के अंदर भी हो, चाहे राजस्थान में भी, उसके परिणाम कांग्रेस ने भुगत लिए हैं। आज एक राष्ट्र एक चुनाव की बात का विधेयक जब सदन के अंदर आने वाला है, कैबिनेट ने कल उसकी मंजूरी दे दी है। मैं कहता हूँ एक सकारात्मक पहल है, और मोदी जी देश के अंदर जो भी कानून लाते हैं जनता उस पर अपनी मोहर लगाती है, और जनादेश के रूप में लगातार तीसरी बार आज प्रधानमंत्री मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी जनादेश मिला है, तो मैं कह सकता हूँ कि देश के हित की बातों को अब जनता भी समझने लगी है, और कांग्रेस पूरी तरह अब बेनकाब हो चुकी है। बिना इशू के कांग्रेस सदन में रह रही, गिनती के सांसद रह गए, अगली बार के चुनाव के बाद तो इनकी गिनती 2.5 अंक भी छू नहीं पाएगी। सर बात की जाए, जब से आपके प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उत्तराखंड के अंदर मिली है, आप हर चुनाव अपने कंधे पे लेते हैं और चुनाव जीतते हैं, इस बार केदारनाथ का भी उपचुनाव भी आपने जीता, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केदारनाथ उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी जीत है, छोटे राज्य के अंदर 5600 से ज़्यादा मतों से जीतना, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ। हमारे सब कार्यकर्ताओं ने लगन से, मेहनत से काम किया है। केदारनाथ के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो भाव है, उसको एक जनादेश के रूप में वहाँ की जनता ने मोहर लगाई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने उस क्षेत्र के विकास के लिए जो योजनाएं धरातल पर उतारी हैं, उसके लिए जनादेश है। तो मैं कहता हूँ आने वाले दिनों में अब नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव है, हम उनमें भी 100% विजय की ओर आगे बढ़ेंगे, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। सर बात कीजिए, प्रधानमंत्री आज कुंभ गए हैं, वहाँ का अवलोकन, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, भारत की संस्कृति में कुंभ का महत्व है, अपने चारों स्थलों पर हर 12 साल के बाद जब कुंभ का आयोजन होता है तो सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं, और विश्व से अनेकों लोग उसको समझने आते, तो देखने आते हैं। आखिर भाईचारे का प्रभाव है, माँ गंगा सब प्रकार के पापों को नष्ट करती है, और देश भारतवर्ष ऐसा देश है जहाँ की भारत की जो संस्कृति है उस साथ विश्व उससे एक प्रकार से ला उसको समझना चाहता है, देखना चाहता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की संस्कृति कि कुंभ भी एक अभूतपूर्व कुंभ के रूप में हम सबके सम्मुख होगा। सर अगर बात किया जाए, एक आखिरी सवाल होगा, दिल्ली में कुछ ही दिन में विधानसभा चुनाव का आने वाला है, क्या कहेंगे? दिल्ली में जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब जनता जान चुकी है, जो व्यक्ति जमानत पर जेल से छूटे हों, जनता के बीच में फिर इस प्रकार के वादे करना जिसको धरातल उतारने का दूर दूर तक कोई चांस ना हो, 1000 रुपये खाते में देने, उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, सब जानते हैं रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, 2 महीने के बाद आचार संहिता लगने वाली है, तो मिल भी पाएगा? ये गुमराह करने वाला जो काम जो आज की राजनीति का हिस्सा बन गया है, और केजरीवाल जो अपना को बहुत पढ़ा लिखा संभ्रांत नेतृत्व के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, जिन्होंने राजनीति की मर्यादाओं में रहने का संकल्प लिया था, अब जनता अच्छी तरह जान चुकी है कि दिल्ली की स्थिति क्या हो गई है। वर्षा काल में दिल्ली की दिशा की ओर रहता है, जो माहौल दिल्ली का प्रदर्शन के रूप में उसको जनता ने महसूस किया, तो मैं कह सकता हूँ अब जनता इस बार आम आदमी पार्टी को बहुत करारा जवाब दिल्ली के अंदर देने वाली है। तो ये थे महेंद्र भट्ट जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि दिल्ली की इस बार, दिल्ली की जो जनता है अरविंद केजरीवाल को एक करारा जवाब देगी, और आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। शिवम पांडे, नेशनल मिरर, दिल्ली।